चप्पलों में एलाइन क्यों होती है और क्यों यहाँ सोने के रेजर से दाढ़ी बनाई जाती है और कैसे आप आइसक्रीम खाकर करोड़ों रुपए कमा सकते हो। दोस्तों वीडियो तो बहुत ही मजेदार होने वाला, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा बैग कौन सा है? यह बैग है इटली की लग्जरी ब्रांड बोरोनी मिलानेसी का, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इसको समुद्र थीम पर बनाया गया है और इसमें 130 कैरेट हीरो का इस्तेमाल किया गया है और 10 सफेद सोने की तितलियों का इस्तेमाल किया गया है, जो इस बैग को कीमती और सुंदर बनाती है। फैक्ट नंबर 2, हार्मन साइकोलॉजी के अनुसार कई बार हमें सपने में अपने भविष्य की घटना को भी देख सकते हैं, लेकिन हम उसे सपना समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन घटनाओं को 90% सही माना जाता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपको पता है कि जेंट्स सैलून में एक नॉर्मल रेजर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पुणे के एक सैलून में 80 ग्राम सोने के रेजर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए होती है और इस रेजर से दाढ़ी बनाने का चार्ज सिर्फ 100 रुपए है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों यह नल कोई एडिट हुई फोटो नहीं है बल्कि यह रियल दृश्य है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इसमें पानी कहां से आ रहा है और यह किसके ऊपर ठहराया गया है। दरअसल दोस्तों इस नल में आपको पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर एक पाइप लगा हुआ है जिससे पानी आ रहा है और उसके ऊपर भी यह नल ठहराया गया है, जिससे हमें यह लग रहा है कि सिर्फ इससे पानी ही आ रहा है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपके शरीर पर भी टैटू होगा या आप भी टैटू बनवाने के शौकीन होंगे, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने पूरे शरीर पर भी टैटू बना रखा है। कर्नाटक के रहने वाले जेमी ने अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवा रखा है और इस व्यक्ति ने अपने शरीर पर टैटू बनवाने में अब तक 76 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। इसके कारण इसकी पूरी बॉडी काली दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपको पता है कि एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अलग अलग आइडिया को अपनाता है, लेकिन पुमा ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एक अलग आइडिया को ही अपनाया। पुमा कंपनी ने सन 1970 में फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मैच में पेलो को मैच के दौरान बीच में रुककर अपनी जूते की डोरी बांधने के लिए कहा, जिससे उनको जूते की डोरी बांधते हुए पूरी दुनिया देखेगी और उनके जूते की मार्केटिंग हो जाएगी, और इस काम के लिए पुमा कंपनी ने पेलो को 7 करोड़ रुपए दिए। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी नौकरी है जिसमें सिर्फ आपको आइसक्रीम खाने के ही करोड़ों रुपए मिलेंगे, क्या आप मानोगे? मानना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अमेरिका की आइसक्रीम कंपनी में काम करने वाले जॉन हैरिसन आइसक्रीम को टेस्ट करके ये बताते हैं कि ये आइसक्रीम मार्केट में चलेगी या नहीं चलेगी, और इनकी यह बातें सही भी होती है और इन्होंने अपनी जीप का 8 करोड़ रुपए का बीमा भी करवा रखा है। फैक्ट नंबर 2, आपको बताया कि हमें मधुमक्खी खाने पर कुछ इस तरह का रिएक्शन हो जाता है जो काफी समय तक रहता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के रहने वाले विकी पर सीविंग मधुमक्खियों को कुछ नहीं समझते। उन्होंने अपने शरीर पर लाखों मधुमक्खियों को बैठा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है और उनके शरीर पर मधुमक्खियों का कुछ असर नहीं पड़ता। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपको पता है कि ज्यादातर चप्पलों में हमें यह लाइन देखने को मिलती है और हमने से ज्यादातर लोग इसे केवल डिजाइन ही मानते हैं, लेकिन क्या सच में यह कोई डिजाइन है? दरअसल हवाई चप्पल बनाने में 2 पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है, पहला जिसमें सिर्फ एक मोटी सोल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कोई लाइन देखने को नहीं मिलती। अगर बात करें दूसरे पैटर्न की तो उसमें 2 सोलों को चिपकाकर बनाया जाता है और इस दौरान 2 सोलों को चिपकाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है उस मटेरियल की यह लाइन बन जाती है और जिस कलर का यह मटेरियल होगा उस कलर की यह लाइन होगी और इस तरह की चप्पलों को काफी मजबूत माना जाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने में मजा आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।